Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we will cover from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment it is about federal issues regarding farm bill this topic is important from our syllabus paper 3 indian polity point of view सो एज़ यू ऑल मस्ट बी नोइंग मैंने भी कई सारे आर्टिकल कवर किए हैं रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल बिल्स दैट बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन रिसेंट टाइम्स और अब ये सारे बिल्स इनको प्रेसिडेंट ने असेंट भी कर दिया है साइन भी कर दिया है सो नाउ दे हैव बिकम एन एक्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट एंड फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एसोरेंस एंड फ्राम सर्विसेज एक्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी अब इन दोनों को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया जैसा मैंने बताया तो अब ये लॉ बन चुके हैं रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन लेकिन इनके खिलाफ कई सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर ऑर्गनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे फीयर दैट दिस दीज टू लॉज में लीड टू रिमूवल ऑफ एम एस पी तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आवर न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑफ 19 सितंबर 2020 सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक की ये जो एग्रीकल्चरल बिल्स हैं जो अब एक्ट भी बन चुके हैं इनका एम से क्या रिलेशन है और इनके कारण प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं आज के इस आर्टिकल में वी विल सी द फेडरल इशूज रिलेटेड टू दीज एक्ट्स तो फेडरल इशूज़ के बारे में पहले समझ लेते हैं देखो फेडरलिज्म मीन्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव फ्रीडम टू ऑपरेट इन देयर अलॉटेड स्पेयर ऑफ पावर इन कॉर्डिनेसन विथ ईच अदर तो जिस भी कंट्री के दर, अंदर अंदर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर होते हैं और दे स्टेट्स लेवल पर जो सरकारें होती हैं उनकी अपनी पावर होती हैं और नॉर्मल टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर और फंक्शंस में इंक्रोच नहीं करती है और वैसे ही आ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर या फंक्शंस में इंक्रोच नहीं कर सकते दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म देर इज़ ए क्लियर कट डिवीजन बिटवीन द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट और दोनों एक दूसरे के एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करें ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया के अंदर भी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है और फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को इंश्योर कराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो है सेवेंथ शेड्यूल तो सेवेंथ शेड्यूल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई गई हैं पहला है यूनियन लिस्ट इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं जिसको लेकर के पार्लियामेंट लॉ बना सकता है सो ऑन दीज सब्जेक्ट्स दैट आर मेंशन अंडर यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट और ये सब मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 246 और ये यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर 97. तो सरल शब्दों में कहें तो इन 97 मुद्दों पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जबकि दूसरा लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे बस स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है बस वो कानून बना सकती है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं दे आर सिक्सटी और जो तीसरा लिस्ट है वो है कनकरेंट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट पर दोनों ही सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं लेकिन अगर मान लो एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने ही कानून बनाया पार्लियामेंट ने भी और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी और दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया यानी कि पार्लियामेंट का, का कानून कुछ और कहता है और स्टेट का, का कानून कुछ और कहता है तो पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल होगा द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल और ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं तो ये है अंडरस्टैंडिंग अबाउट फेडरलिज्म अब जरा देखते हैं कि जो करंट इशू है इसका फेडरलिज्म से क्या रिलेशन है तो देखो अगर एग्रीकल्चर की बात करें मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो तीन लिस्ट में डिवाइडेड हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तो अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स पाएंगे सो एग्रीकल्चर ओवरऑल इज़ ए पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट लिस्ट के अंदर हम एंट्री नंबर फोर्टीन देखें तो इट टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेज। अगर इस स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 18 देखें तो इट टॉक्स अबाउट राइट्स इन और ओवर लैंड लैंड टेनियर्स ये सब आपको याद नहीं करना है बस मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं ऑल ऑफ़ देम हैव बिन अंडर द स्टेट लिस्ट अलग अलग इशूज के अंदर फॉर एग्जाम्पल एंट्री नंबर ट्वेंटी एट अंडर स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल मार्केट एंड फेयर्स तो इट इज़ क्लियर कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशूज़ हैं ऑल ऑफ देम हैडर द स्टेट लेजिस्चर्स जूरीडिक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो सब के सब स्टेट लिस्ट में आते हैं यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स नहीं हैं मतलब एग्रीकल्चर को लेकर के अगर कोई कानून बनाया जाना चाहिए तो वो स्टेट्स को बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बनाना चाहिए अब सवाल ये उठता है कि फिर पार्लियामेंट ने कैसे कानून बना दिया हाउ पार्लियामेंट फ्रेम्ड अ लॉ ऑन दिस एग्रीकल्चरल ट्रेड ये दो बिल तो हम देख रहे हैं जिस पर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किया है एंट्री नंबर थर्टी थ्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट का ये एंट्री नंबर 33 थ्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को कंट्रोल किया जाएगा अंडर एंट्री नंबर 33 सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन uh, हो रहा है कोई सप्लाई हो रही है किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको लेकर के कानून बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री नंबर 33 और ये एंट्री नंबर 33 है कनकरेंट लिस्ट में मतलब इस मुद्दे को लेकर के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना सकता है और इसी का इस्तेमाल करके ये जनरल प्रोविज़न इसमें देखिए कहीं भी एग्रीकल्चर का नाम भी नहीं है इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है दैट पार्लियामेंट का ऐसा कहना है कि दे आर जस्ट रेगुलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स और ट्रेड तो एक जनरल टर्म है इसके अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड भी आना चाहिए और इसी का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने ये बिल सारे पास किए हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सारे मुद्दे हैं ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग ट्रेड मार्केट सब कुछ स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं तो इससे एक कंक्लूजन इस आर्टिकल में बताया गया है दिस आर्टिकल कंक्लूड्स कि अगर पार्लियामेंट एग्रीकल्चर के सारे मुद्दों पे कानून बनाने लगे यूजिंग द एंट्री नंबर 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिए थे स्टेट को रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड द मैटर्स एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर वो सारा का सारा पावर रिडनडेंट हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा मतलब द पार्लियामेंट इज नॉट यूजिंग दिस एंट्री नंबर थर्टी थ्री इन इट्स राइट स्पिरिट जी ये अगर देखिए अगर इसमें एग्रीकल्चर को मेंशन करना होता तो वह एग्रीकल्चर को भी मेंशन कर देते साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे इशूज को स्पेसिफिकली क्लियर कट मैंसन किया गया स्टेट लिस्ट में और यहाँ पर एग्रीकल्चर का मैंसन नहीं है बट फिर भी इसका इस्तेमाल करके भारत सरकार कानून रही है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस एंट्री नंबर थर्टी थ्री को राइट right स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किया इसको एग्रीकल्चर के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए था ऐसा यह आर्टिकल कंक्लूड कर रहा है एंड दैट इज वाई दिस आर्टिकल से इज दैट द एग्रीकल्चरल लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट इज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इस ग्राउंड पे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है दट दीज लॉज देखो एमएसपी को विदड्रॉ कर लेंगे वो सब चीज तो एक तरफ है लेकिन इस मुद्दे पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि दीज लॉज आर इन वायलेशन ऑफ द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस ये केस बहुत इंपॉर्टेंट इसको आप जरूर याद रखेंगे इन एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट सेट दैट द फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट आउटब्रेक ऑफ स्क्रब टाइफस दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉम मार सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली सेगमेंट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो देखते हैं समझते हैं स्क्रब टाइफस है क्या देखो स्क्रब टाइफस एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है एक तरह का स्पेशल तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है ओरियंसिया सुमूसी ये जापनीज नेम है ये बैक्टीरिया कैसा है कि इस तरह का माइट्स इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर चला जाता है और फिर ये माइट जब हमें काट लेता है हमें अगर बाइट कर लेता है तो फिर हमें इस तरह की बीमारी हो जाती है स्किन के ऊपर और फिर फीवर होने लगता है और अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है तो जैसा कि मैंने कहा दिस स्क्रब टाइफस इज स्प्रेड टू द पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट्स तो ये जो माइट्स हैं इनके अंदर ये बैक्टीरिया घुस जाता है और फिर ये इनके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है अब करंट न्यूज़ क्या है कि नागालैंड के अंदर ये स्क्रब टाइफस आउटब्रेक हो रहा है कई सारे लोगों के अंदर यह स्क्रब टाइफस आउटब्रेक पाया गया है 600 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं रिगार्डिंग दिस स्क्रब टाइफस पांच लोगों की डेथ भी हो चुकी है लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्क्रब टाइफस का इलाज है हमारे पास देर इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक जिसका नाम है डॉक्सी साइक्लिन जिसके इस्तेमाल से इस स्क्रब टाइफस को कंट्रोल किया जा सकता है तो आगे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और अब इसके आउटब्रेक को रोक लिया गया है फिर भी आप पी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे ये स्क्रब टाइफस है क्या इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ The next article is taken from economy segment. It is about offset clause that has been removed by the government. This topic is important from our syllabus, paper three, Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं कि offset clause है क्या? तो offset policy 2016 में लाया गया था regarding defence import या defence procurement. Defence procurement मतलब जो भी चीज हम खरीदते हैं हमारी सरकार, जो भी defence equipment बाहर से खरीदती है. जैसे कि हमने रफाल ख़रीदा या हाफ गन खरीदते हैं या आवाक्स खरीदा या फालकन आवास खरीदा इसराइल से स्पाइक मिसाइल ख़रीदा इसराइल से तो ये सब जो है डिफेंस इक्विपमेंट जो हम प्रोक्योर करते हैं बाहर से उसके लिए एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं ऑफसेट पॉलिसी यह पॉलिसी टू में लाई गई थी इस ऑफसेट पॉलिसी में कैसा है कि अगर मान लो हम कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं जिसका प्राइस 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है मान लो ये फ़ाइटर जेट हम खरीद रहे हैं किसी फॉरेन कंपनी ए से और इसकी प्राइस 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है तो इस कंपनी को कम से कम 30 परसेंट इस आ, फाइटर जेट का जो भी प्राइस है उसका तीस परसेंट का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना होगा या तीस परसेंट का प्रोडक्ट इंडिया से ख़रीदना होगा इस बात को ज़रा ध्यान से समझो ऑफसेट को देखो ये फ़ाइटर जेट ऐसा तो है नहीं कि रेडीमेड बनता है फाइटर जेट में अलग अलग इक्विपमेंट्स लगते होंगे ये कंपनी ए भी अगर बना रही है तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में फाइटर जेट बना लेगी इसमें कई सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते होंगे राइट right. तो इस छोटे छोटे इक्विपमेंट्स में से भारत सरकार ने नियम बनाया है कि अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा का अगर कोई भी डील है तो जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आपको लगाने हैं ज़्यादातर इक्विपमेंट्स आप इंडिया से इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद करके लगाइए मतलब कम से कम 30 परसेंट इसका माल इसमें इसका जो भी वर्थ है दो करोड़ से ज़्यादा का है तो उसमें कम से कम तीस इसका इन्वेस्टमेंट यानी कि छः सौ करोड़ का है तो छः सौ छः सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कम से कम इंडिया से खरीदें वो माल इसके अंदर जो भी है अगर विंग्स हैं या कुछ भी है नट बोल्ट है जो भी है डिवाइसर डिवाइस है, डिवाईस है। वो सब कुछ कम से कम 30 परसेंट का इक्विपमेंट आप इंडिया से खरीदें तो इससे फायदा क्या होगा ऑफसेट पॉलिसी से कि इंडिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे प्रमोट होगी इंडिया के अंदर कम से कम वो डिफेंस सप्लायर को बिजनेस मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी इस परपज से ऑफसेट पॉलिसी लाया गया था रिगार्डिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट और ये पॉलिसी टू में लाई गई थी लेकिन अब करंट न्यूज क्या है करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने इस डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को अमेंड कर दिया है अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्रोसीजर तो एक नया प्रोसीजर लीज किया है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जिसमें जिसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के हिसाब से जो पुराना गवर्नमेंट का डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया गया है उसको रिवाइज कर दिया गया है और अब इस नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के हिसाब से ये ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा इन टू केसेस फर्स्ट जब गवर्नमेंट टू तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी उस केस में ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब एक फॉर एग्जांपल भारत सरकार फ्रांस गई और फ्रांस में फ्रांस सरकार के साथ उसने एक डील साइन कर लिया कि हम रफाल जेट खरीदेंगे रफाल फाइटर जेट थर्टी सिक्स रफाल फाइटर जेट, जेट हम खरीदेंगे आपसे तो ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा और दूसरा इफ़ द इंटायर इक्विपमेंट हैज़ टू बी सप्लाइड बाय सिंगल वेंडर अगर कोई एक पर्टिकुलर सिंगल कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप हमें ये स्पाइक मिसाइल दो या आप हमें या वॉक्स दो तो उस केस में भी अगर सिर्फ एक कंपनी सप्लायर है इफ देर इज जस्ट वन सप्लायर कंपनी देन उस केस में भी ये ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा देखो होता क्या है कि अगर एक कंपनी है मान लो डसॉल्ट है फ्रांस की कंपनी है और अगर सब कुछ इस प्रोडक्ट का सब कुछ वो फ्रांस की वही कंपनी बनाती है तो उस केस में उस पर ऑफसेट क्लॉज लगाने से होगा क्या कि उसको बेवजह का इंडियन प्रोडक्ट खरीदना होगा जबकि ऑलरेडी वो कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है तो वैसे केस के लिए ऑफसेट क्लॉज को हटा दिया गया है लेकिन अगर ऑल वो कंपनी अकेले सब कुछ नहीं बनाती अगर कुछ चीज़ें वो बाहर से दूसरे दूसरे कंपनियों से खरीदती है उस केस में उसको ऑफसेट क्लॉज फॉलो करना होगा और अगर वो बाहर से दूसरे कंपनियों से खरीद रही है तो फिर उसको इंडियन कंपनी से ही खरीदना होगा सो मुद्दा ये कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा या फिर अगर सिंगल कंपनी सप्लायर है यानी कि सारा का सारा वो प्रोडक्ट वही कंपनी बनाती है अगर वो बाहर से कुछ नहीं खरीदती तो उसके केस में भी ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा यह ऑफसेट क्लॉज के रिगार्डिंग चेंजेस भारत सरकार ने इसलिए लाए हैं क्योंकि भारत सरकार को ऐसा लग रहा था कि ऑफसेट क्लॉज से कुछ फायदा नहीं हो रहा है भारत सरकार ने कहा कि ऑफसेट क्लॉज से बेवजह का कॉस्ट बढ़ रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का अब कैसा है कि इस कंपनी पर हम कंडीशन लगाते थे कि लगा देते थे कि तुमको 30 परसेंट पैसा या 30 परसेंट का प्रोडक्ट इंडिया से ख़रीदना है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स महंगा बेचते हैं डिले करते हैं सप्लाई में और इस कारण से ओवरऑल कॉस्ट भी ऊपर चला जाता है और डिलीवरी में भी डिले हो जाती है और उसके अलावा मैनी अ टाइम देर हाजबिन रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी तो बहुत बार होता क्या है कि ये जो कंपनियाँ इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं उन पर जब हम कंडीशन लगा देते हैं कि तुम तीस प्रोडक्ट इंडियन मैनुफैक्चर से खरीदोगे तो फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं देते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि प्राइस ऊपर चला जाता है डिले हो जाता है डिलीवरी में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं होता है तो इन सब चीज़ों के कारण भारत सरकार ने ऑफसेट पॉलिसी को कुछ एक कंडीशन के लिए रिमूव कर दिया है अब इस ऑफसेट पॉलिसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ देखते हैं देखो ये ऑफसेट पॉलिसी को हाल फिलहाल में भारत सरकार ने क्यों चेंज किया है उसको भी समझते हैं तो सी की रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग रफाल डील जिसमें भारत उसने सी ने कहा कि भारत सरकार ने दो इम्पॉर्टेंट ऑफसेट पॉलिसी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है इन सी इन दिस रफाल डील देखो ये ऑफसेट क्लॉज तो आज रिमूव हुआ है लेकिन ये सी की डील इस ऑफसेट क्लॉज को हटने के तीन चार दिन पहले ही आ गए थे रिगार्डिंग दिस रफाल डील और उसमें सी ने कहा कि भारत सरकार ने रफाल को लेकर के जो दो इंपॉर्टेंट ऑफसेट प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलो नहीं किया है पहला ऑफसेट प्रिंसिपल था कि थर्टी परसेंट ऑफ द इक्विपमेंट कॉस्ट विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया ये फॉलो नहीं हुआ है उसके अलावा रफाल डील में साफ साफ लिखा हुआ था रफाल डील जो फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था उसमें साफ साफ दोनों सरकारों ने अग्री किया था कि फ्रेंच की जो कंपनी है डसॉल्ट जो रफाल बेच रही है वो इंडिया को टेक्नोलॉजी भी देगी कि रफाल जेट बना कैसे लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस से में हुआ नहीं तो ये दो चीज हाईलाइट किया है सीएजी ने तो भारत सरकार ने इसके जवाब में ऑफसेट पॉलिसी को ही बदल दिया उसने कहा कि गवर्नमेंट टू तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई ऑफसेट पॉलिसी लगेगी ही, ही नहीं तो इस कारण से अब ये जो गवर्नमेंट टू तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था रिगार्डिंग रफाल अब उस केस में ऑफसेट पॉलिसी लगेगी ही नहीं तो अब ये जो सीएजी का रिपोर्ट है दैट वॉन्ट बी एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिगार्डिंग रफाल डील द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं देखो ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है इसको टू थाउजेंड सिक्सटीन में बनाया गया था बाई अमेंडिंग आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर और इसके पीछे का पर्पज क्या था मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने का ताकि एक कमिटी बनाई जाए छः लोगों की छः मेंबर की बॉडी बनाई जाए जो मिल करके के भारत के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करे इससे पहले कैसा होता था इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने से पहले कैसा होता था कि आरबीआई के गवर्नर अकेले ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे लेकिन 2016 में भारत सरकार ने एक कमिटी बना दी और उस मॉनेटरी पॉलिसी उसका नाम रखा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको ज़िम्मेदारी दी गई टू फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अभी भी आरबीआई गवर्नर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो इसके चेयरमैन ज़रूर हैं लेकिन अब वो अकेले मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाते उनके साथ साथ पाँच लोग और हैं जो मिल कर के कहे जाते हैं मोनिट्री पॉलिसी कमेटी और सब मिल कर के अब मोनिट्री पॉलिसी बनाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल छः मेंबर हैं आरबीआई गवर्नर उसके चेयरमैन होते हैं उसके अलावा आर के एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और आर के एक ऑफिसर होते हैं जो मोनिट्री पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं उसके अलावा जो रिमेनिंग तीन मेंबर हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और जो डिसीज़न होता है मोनिट्री पॉलिसी कमेटी में रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ मोनिट्री पॉलिसी दैट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट्स तो ऐसा नहीं है कि आर गवर्नर को, को यहां पे कोई यहाँ पर कोई वीटो पावर है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर फैसला होता है लेकिन अगर टाई हो जाए यानी कि तीन मेंबर कुछ और कहें और बाकी के तीन मेंबर कुछ और कहें उस केस में टाई ब्रेकर वोट है आरबीआई गवर्नर के पास मतलब उस केस में जो आरबीआई गवर्नर कहेंगे वही माना जाएगा और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है हर दूसरे महीने पे होती है वैसे नियम ये है कि साल में कम से कम चार बार जरूर होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लेकिन प्रैक्टिस में देखा गया है कि हर दो तो महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती ज़रूर है अब करंट न्यूज देखते हैं करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि ये जो तीन मेंबर हैं जिनको भारत सरकार ने अपॉइंट किया है इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये हैं पम्मी दुआ सी इज़ फ्रॉम डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चेतन घाटे सी इज़ फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड रविंद्र ढोलाकिया फ्रॉम आई अहमदाबाद इन तीनों मेम्बर्स का टर्म पूरा हो गया है टर्म एक्सपायर हो गया है देखो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे इनका टर्म होगा चार सालों का और इनका चार साल का टर्म पूरा हो गया ऑन सिक्स अगस्त ट्वेंटी और इस कारण से करेंट न्यूज़ आया है कि अब इनका टर्म चूँकि पूरा हो गया है तो अब ये इनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी छोड़ना होगा तो अभी के लिए टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर तीन ही मेंबर हैं आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के एक ऑफिसर ये तीन मेंबर्स का टर्म पूरा हो चुका है और इस कारण से जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होने वाली थी ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी वो हो नहीं पाएगी तो इस कारण से आर हैज़ पोस्पोन्ड इट्स मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू दैट वॉज टू बी हेल्ड ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी सिंस दीज मेबर्स देयर टर्म इज़ ओवर एंड दैट इज़ वाई द टोटल नंबर ऑफ इन जस्ट थ्री नाउ अभी दिक्कत क्या है कि कोरम है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू के लिए चार मतलब कम से कम चार मेंबर जरूर होने चाहिए तब जाकर के मीटिंग होगी लेकिन ये तो तीन मेंबर्स का टर्म ही एक्सपायर हो चुका है तो अभी तीन मेंबर ही बचे हैं इस कारण से मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग नहीं हो सकती और जब तक अगले तीन अब मेम्बर्स अपॉइंट नहीं किए जाते भारत सरकार द्वारा तब तक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू नहीं हो पाएगा प्लीज अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक द नेक्स्ट आर्टिकल स्टडेंट फ्रॉम आसाम सेगमेंट इट इज़ अबाउट सायदा अनोरा तैमूर पासिस अवे दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्राम आर सिलेबस पेपर सिक्स आसाम पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू तो सायदा अनोरा तैमूर के बारे में समझते हैं सी वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवंबर नाइनटीन थर्टी फोर एंड बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स सी वॉज ए टीचर ऑफ इकनॉमिक्स इन देवी चरण बरुआ गर्ल्स कॉलेज इन जोरहट बर ऑफ कांग्रेस एंड सी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असाम तो ये इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असाम एंड सी रिमेन चीफ मिनिस्टर हार्डली फॉर सिक्स मंथ राइट फ्रॉम दिसंबर नाइनटीन एटी टू जून नाइनटीन एटी वन सी वाज़ एम एल फॉर थ्री टर्म्स इवन मोर देन थ्री टर्म्स इन 1972, 1978, 83 एंड 1991 उसके पहले उसके बीच में सी आल्सो एक्टेड एज स्टेट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये सारी बातें याद रखो या ना रखो कम से कम इतना याद रखना कि सी वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चीफ मिनिस्टर फ्रॉम असाम सी बिकेम राज्यसभा मेंबर ऑल्सो ट्वाइस वंस इन 1988 एंड सेकेंड इन 2004 इन 2011, थाउजेंड एलेवेन सी लेफ्ट कांग्रेस एंड सी ज्वाइंट ए आई यू डी एफ ऑफ बद बदरुद्दीन अजमल एंड करेंट न्यूज इज दिस दैट ऑन ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर इज़ यस्टडे सी पास्ट इन ऑस्ट्रेलिया अब आसाम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हमने फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर तो देख लिया अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस आसाम इज़ गोलप बोरबोरा फ्रॉम जनता दल द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम असाम फख्रुद्दीन अली अहमद फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर फ्रॉम असाम इन यूनियन कैबिनेट रेणुका देवी बॉर्कोत फर्स्ट वुमेन गवर्नर फ्रॉम असाम बष्णु राम मेधी ही वॉज़ गवर्नर ऑफ मद्रास एंड फर्स्ट एंड द ओनली प्रेसिडेंट फ्रॉम असम फख्रुद्दीन अली अहमद In our topic, uh, in our segment, most probable PT topics for upcoming APS Appliance, we will cover topic number 58 to 60. Topic number 58 is about report crowd web. So, Kachar district of Assam has started this web portal to ensure social distancing. People can click picture of crowd and can also geotag it. Please attempt this practice question that is based on topic number 58. Topic number 59 is CHA AOX1. CHA AOX1 is a vaccine being developed by University of Oxford against COVID-19. It is a kind of adenovirus vaccine. Please attempt this practice question that is based on this topic. Topic number 60 is about Earth Day. Earth Day is celebrated every year on 22nd April. And Earth anthem has been written by Indian poet Abhay Kumar, who which has been translated into 50 languages by UNESCO. Please attend this practice question that is based on topic number 60. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी सेवन दट वीट गिविन इन यस्टडेज न्यूज पेपर अनलिसिस टू डेज क्वेश्चन कैन भी अटम्प्टेड बाई स्ट्स एंड यू कैन सबमिट आंसर इन द कमेंट सेक्शन वी विल भी गिविंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज पेपर अनालिसिस कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसके आंसर्स देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी सर वी टी कृष्णाचारी ही रिप्रजेंटेड इंडिया एंड सैन फ्रांसिसको कॉन्फ्रेंस एंड सेकेंड इज रिगार्डिंग न गोर्नो काराबाक रीजन अगेन इट्स आंसर इज ऑप्शन डी से कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्टेड बिट्वीन आर्मेनिया एंड अजर बाईजान दट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग